आवाज अच्छी है। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, माय वॉइस इज कमिंग और नॉट, प्लीज लेट मी नो फास्ट, सॉरी फॉर लेट, 5 मिनट लेट हो गया। ओके सो यस, दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ प्रॉपर, एक बार चेक तो कर लूँ। ओके फाइन, चलो सो सभी कुछ विजिबल है। वेलकम टू न्यू इंडियन एरा एंड मैं हूँ प्रशांत। साइंस वन का वन शॉट खत्म करने के बाद आज साइंस टू का वन शॉट खत्म करना है। साइंस टू का चैप्टर नंबर वन आज हमारा होगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। कौन सा चैप्टर आज हमारा होगा? चैप्टर नंबर वन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक होने वाला है। ठीक है, इस बात को आप सबको ध्यान देना है। सो सारे बच्चे हम लोग ये टॉपिक आज पढ़ेंगे। फटाफट जल्दी सब लोग ज्वाइन हो जाओ, सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो इस वीडियो को, जिससे कि सब लोग ज्वाइन होकर पढ़ सकें। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट आ जाओ। वेलकम सफा, हाउ आर यू? टेक एस बी, शिवराज, दीपिका, साहिल, कैसे हो? हाउ आर यू? वेलकम ऋषि, ओके वेलकम कमलेश, शैलेश, यस वेलकम ओम। चलो फटाफट सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर हम लोग आगे के आज के इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी सबके सब ज्वाइन हो जाओ। आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरे कंप्लीट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के टॉपिक को मैं आज यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, अभी स्टार्ट करेंगे आज के इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए ओके, इसको सारे फ्रेंड्स में एक बार शेयर कर दो यार, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके ओके ओके, तो आज का जो हमारा प्यारा सा टॉपिक है, आज का जो हमारा प्यारा सा यहाँ पे टॉपिक है गाइस, ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। सो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हमने ऑलरेडी साइंस वन जो है हमारा, साइंस वन का कंप्लीट जो हमारा साइंस वन का कंप्लीट वन शॉट वीडियो है, था वन शॉट रिवीजन ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है, मतलब कि एक सिंगल वीडियो में सिंगल पूरा का पूरा। उसकी प्लेलिस्ट मैं आज रात तक बना दूंगा, सेशन के बाद मैं आज उसकी प्लेलिस्ट कंप्लीट क्रिएट कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग को उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब हमारा सफर चालू हुआ है साइंस टू के लिए, तो इसको भी आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला चैप्टर है। ऐसे 10 दिन तक लगातार कोर्स और चलेगा तो पूरे के पूरे साइंस टू के भी हमारे सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप सबको अच्छे से समझ के रखना है। चलिए सभी के मैं एक बार लाइव चैट देख लूँ, सभी लोग एकदम बढ़िया अच्छे से हो ना? चलो ठीक है, सो कोई टेंशन नहीं है। वॉन्ट योर कॉन्टैक्ट नंबर सर, सॉरी यार कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ शेयर नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच गौरव जैन। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं गाइज आज के इस प्यारे से सेशन को। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले मैं आपको एक लाइव है, लेकिन स्टिल मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि गाइज आप सबके लिए ना, यहाँ पर आप सबके लिए नून अकेडमी ने बहुत ही बढ़िया सा एक चीज लेके आया। यहाँ पे देखो, नून अकेडमी में मैं भी पढ़ा रहा हूँ और माय नेम इज प्रशांत, आप सब जानते ही हो। तो आप लोग ना नून अकेडमी के साथ बढ़िया अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। गाइज आप सबको पता है कि वहां पे साइंस की मेरी एवरीडे रोज 3 से 4 बजे क्लास होती है, रोज होती है। ठीक है, 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक रोज क्लास होगी, डेली होती है, आज भी हुई थी, कल भी होगी। ठीक है, जहां पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं और फ्री फन लर्निंग, इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग सेशंस, सारे के सारे चीजें होती हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना नून ऐप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाके तुम सारे बच्चे ना ज्वाइन कर सकते हो मेरे ग्रुप को और वहां पे तुम सब लोग ना मेरे साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, तो नून में तुम लोग मेरे साथ अब वहां पे पढ़ सकते हो, मैं भी वहां पे हूँ, मैं पहले भी था बट बीच में गांव वगैरह चला गया सो कहीं भी सेशंस हो नहीं पाए, तो अभी अगेन मेरा कोर्सेस वहां पे आ गया है, तो तुम सारे लोग जाके बढ़िया पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मेरे ग्रुप का बायोलॉजी वाला, सो वहां पे ऐसा बायोलॉजी MH बोर्ड क्लास 10th। ठीक है, तो ऐसा वहां पे लिखा रहेगा, जाओ फटाफट सारे बच्चे ज्वाइन कर लो एंड मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दो। डेली टाइम याद रखो, 3 बजे से 4 बजे तक डेली सेशन होता है, इस चीज को एकदम अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए, फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है नून अकेडमी, आपको पता है ना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता। मैं हूं और पैसे वाला चीज बताऊंगा, ऐसा कैसे बोलते हो यार? जब तक मैं हूं तो तुम्हें लगता है कि तुमसे मैं 1 रुपए भी भरवाऊंगा? क्या गुंडा बनोगे यार। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दो। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन होने वाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी नून अकेडमी की, जाओ ज्वाइन करो, मेरे ग्रुप में फटाफट ज्वाइन हो जाओ। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके नून ऐप और बायोलॉजी एमएच बोर्ड नाम का एक ग्रुप मिलेगा, प्रशांत तिवारी सर्च करोगे ऐसा आ जाएगा, ठीक है, मेरा फोटो दिखेगा व्हाइट शर्ट में, फटाफट जाके ज्वाइन हो जाना। चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के प्यारे से सेशन को। तो देखो यार, सबसे पहला हमारा टॉपिक का नाम है, जरा यहाँ पे फटाफट देख लो, हमारे टॉपिक का नाम है हेरिडिटी। अब हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं आप सबको सबसे पहले ये बता दूं कि जो ये हमारा चैप्टर है, इस एक सिंगल चैप्टर में दो दो चैप्टर यहाँ पे लगा हुआ, एक हेरिडिटी है और एक इवोल्यूशन है, ये दो दो टॉपिक्स हमारे एक सिंगल चैप्टर में लगे हुए हैं। मैं फोन साइड में रख देता हूँ, अब तुम्हारे चैट बाद में हर 5 मिनट में पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, तो फटाफट देखते हैं, अभी जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी, मैं बढ़िया एकदम दिख रहा हूँ, सारी चीजें चल रही होंगी अच्छे से, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बेसिक से शुरू करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट वे में रहूंगा और बेसिक से चालू करूंगा, बिकॉज आई लव बायोलॉजी एंड बायोलॉजी में धमाका मचा देंगे हम लोग पढ़ पढ़ के, एक चीज बेसिक से सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। चलो तो कलर विलर बढ़िया अच्छे से सेट कर लेते हैं और फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले मैं बता दूं कि हेरिडिटी इवोल्यूशन पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि हम कौन है, हम है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है, ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है वो कैसे होती है, ये समझो एक ह्यूमन बींग्स है, ये राहुल है, ठीक है, और मान लो राहुल की एक टांग है, और ये राहुल की जो एक टांग है कैसे बनी हुई है, तो राहुल के टांग को अगर मैंने स्कैन किया ऐसे, तो देखा कि अंदर बहुत सारे हमें यहाँ पे सेल्स वगैरह मिल गए, सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल गई। अब जो इसकी लेयर है, ये लेयर को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे टिश्यू, ये क्या हमारा टिश्यू, और ये हमारा एक सिंगल क्या है सेल। तो आप ही एक बात बताओ ना कि अगर इसकी बॉडी को साइड में ऐसा स्किन है, स्किन को साइड में लूंगा ऐसे में, तो यहाँ पे ना अंदर बहुत सारे सेल्स भरे हुए हैं सेम ओरिजिन सेम स्ट्रक्चर वाले, और जो पूरी लेयर है ये लेयर हमारी टिश्यू है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ टिश्यू, टिश्यू को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो टिश्यू को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं गाइज, यहाँ पे हम लोग टिश्यू को बहुत बढ़िया डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द ग्रुप ऑफ सेल, हम इसे क्या कह सकते हैं, ये हमारा ग्रुप ऑफ सेल है ऑफ द सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शनैलिटी। हम लोग ने बचपन में पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल, सेल हमारा एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ऐसा हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली सेल का डिटेलिंग थोड़ा सा जान लेते हैं, सेल की अभी हम लोग फटाफट यहाँ पे डिटेलिंग जानेंगे एग्जैक्टली सेल क्या है। तो सेल, हमारी बॉडी सेल से बनी है ये हम जानते हैं, सेल छोटे छोटे सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, एंड देन टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं लाइक हार्ट लीवर स्टमक एंड ऑल, एंड देन फिर हमारी पूरी की पूरी बॉडी क्रिएट होती है, इतना हम जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेल का शेप कैसा भी हो सकता है डिपेंड करता है वो, और बेसिकली हम राउंड से ही दिखाते हैं, तो जो बाहर वाला इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इतना तो बच्चों वाला चीज तुम्हें आती होगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वन शॉट के सफर में चल रहे हैं, तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। फिर ये है हमारा न्यूक्लियस, इस चीज को एकदम समझ के रखो, न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है जेनेटिक मटेरियल, तो ये है हमारा अंदर वाला जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये हमारा कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल है। अब आप बोलोगे यार एग्जैक्टली कि जेनेटिक मटेरियल में आखिर क्या होता है, मतलब जो ये जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है इसमें क्या है, तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ और नहीं, इसमें हमारा प्यारा सा क्रोमोसोम होता है। अब आप बोलोगे क्रोमोसोम का मीनिंग क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको क्रोमोसोम का मतलब समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्रोमोसोम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो अच्छे से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रोमा मतलब क्या है, क्रोमा, ठीक है, तो ये जो क्रोमा है ना, क्रोमा का मतलब होता है कलर, और जो जोमा SOME इसका मतलब सोमा, सोमा मीन्स होता है बॉडी, क्या होता है, सोमा मीन्स बॉडी, ठीक है, यानी कलर्ड बॉडी, क्रोमोसोम मीन्स कलर्ड बॉडी। अब ये क्रोमोसोम एग्जैक्टली कैसे दिखता है, तो हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हमारा जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये सब हमको मालूम है। जो ये वाला पार्ट है ये हमारा क्या होता है, आर्म होता है, ये हमारा सेंट्रोमियर है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ऑलरेडी, ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा समझ के रखना है। चलो तो यार ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर ये कुछ क्रोमोसोम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वाला दिखता है, तो थोड़ा
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं कि एग्जैक्टली ये क्रोमोसोम में क्या है। तो देखो यहाँ पे जरा समझना अच्छे से क्या चीजें एग्जैक्टली होती है। हमने डीएनए का नाम सुन रखा है, हमने किसका नाम सुन रखा है, डीएनए का नाम सुन रखा है। अब हम धीरे धीरे एंट्री मारेंगे अपने चैप्टर में। तो हमारा डीएनए एग्जैक्टली कैसे होता है, कुछ इस तरीके से हमारा डीएनए होता है, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। हमारा डीएनए जो होता है कुछ इस तरीके से रहता है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, जरा यहाँ पे समझना चीजों को। अब देखो एग्जैक्टली क्या होता है ना, कुछ इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे सारा का सारा क्रोमोसोम क्रिएटेड है। इस बात को आपको ध्यान देना, यानी कि आप ना एक चीज इस चीज को आप समझ चुके रहोगे कि एग्जैक्टली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में एकदम चीजें घुस गई होंगी, ठीक है, एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो जो डीएनए है ना यार, डीएनए बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। और डीएनए जो होता है ना, डीएनए ही खुद ऐसे सर्कुलेट होकर जंबल होकर पूरा हमारा क्रोमोसोम बना देता है। इस चीज को एकदम समझ के रखो, ये है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारा किसका, क्रोमोसोम का। इस बात को आपको यहाँ पे समझ के रखना है, ये हमारे क्रोमोसोम का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस तरीके से डीएनए हमारे क्रोमोसोम को बनाता है, मतलब समझ रहे हो। अगर मैं असलियत में बोलूं ना तो क्रोमोसोम जैसी कोई चीज है ही नहीं, डीएनए ही खुद ऐसा बनके क्रोमोसोम क्रिएट कर देता है। चलिए थोड़ा सा डिटेलिंग में और अंदर जाते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा समझते हैं और भी चीजों को। देखो ये लंबा क्रोमोसोम बहुत लंबा होता है। अब जो क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग ना जीन कहते हैं, जीन। तो जीन की अगर डेफिनेशन किसी टीचर ने तुमसे पूछ ली तो क्या बताओगे, तो तुम कह देना कि इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या कहोगे इसे तुम लोग, कि इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि एक डीएनए का सेगमेंट है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आगे इसकी फंक्शनैलिटी क्या है मैं सब तुम्हें बताऊंगा, डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या, चलो थोड़ा सा पूछ लेते हैं भाई, यहां तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, फटाफट बता दो, ठीक है। यस 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 इंड आयुष, वेलकम वेलकम भाई, फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया दक्षराज, गाइस फटाफट फटाफट फटाफट, क्या बात है, ऐसे ही फटाफट ज्वाइन कर लो, चलो 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 बहुत बढ़िया। तो गाइस सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो, और लाइक भी कर देना, मजा आने वाला है अभी आगे के टॉपिक में। चलो फटाफट आगे की तरफ निकलते हैं। तो इतना तो हमें समझ गया ना कि भैया ये डीएनए है और डीएनए ही ऐसा ऐसा क्रोमोसोम बनाता है, और डीएनए के छोटे से सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। चलो अब हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली डीएनए क्या होता है, अब हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली हमारा डीएनए क्या होता है। चलो यहाँ पे समझते हैं फटाफट, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो हमारा डीएनए है वो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, इस बात को एकदम समझ के रखो। ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, इस बात को यहाँ पे जरा थोड़ा सा फोकस करके रखो। अब ये डीएनए है, तो डीएनए एग्जैक्टली सबसे पहली बात क्या है कि ये ना डबल स्ट्रैंडर्ड है। कैसा होता है डीएनए हमारा, डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडर्ड होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारा मास्टर मॉलिक्यूल है। क्या है हमारा, ये एक मास्टर मॉलिक्यूल है। इसे मास्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा मैं, और ये सब मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आगे ये चैप्टर को समझने में यूं वन शॉट में आपको बहुत मजा आ जाएगा, बहुत जल्दी आप समझ जाओगे, ठीक है। इसका हेलिकल शेप होता है, हेलिकल शेप, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। एंड प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट कह सकते हो, इन्होंने इसे सबसे पहले प्रपोज किया था, मतलब बनाया था, बताया था कि कैसे होता है, स्ट्रक्चर के बारे में इसकी इंफॉर्मेशन दी थी। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, चलो थोड़ा सा बॉडी के बारे में जान लेते हैं कि यार जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी जो हमारी बॉडी है, तो एग्जैक्टली बॉडी के पास कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। तो बॉडी के पास जैसे कि बॉडी कलर हो गया, बॉडी कलर हो गया, फिर आईज कलर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास सारी चीजें हैं। बॉडी की हाइट हो गई, ठीक है, फिर हेयर कलर हो गया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, और उसके बाद हेयर, मतलब हेयर का जो मतलब स्ट्रक्चर है, कर्ली है या फिर स्मूथ है, तो ये सब की सारी सारी चीजें हो गई। आपको पता है ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ना कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी इंसान के, जिन्हें आप ट्रेट्स कह सकते हो, ठीक है। और इन सारे कैरेक्टर्स या फिर आप इसे इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो, आप इसे ना इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर ये सब कुछ होते हैं, ऐसे हाइट ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी कलर एंड आई कलर, ये सब कुछ आप इसे कह सकते हो, ठीक है। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो एग्जैक्टली मास्टर मॉलिक्यूल इसे हम क्यों कहते हैं भाई, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, इस सारी इंफॉर्मेशन को डीएनए क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, डीएनए स्टोर्स ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी। क्या करता है डीएनए हमारा, डीएनए स्टोर्स, यहां पे लिख दो, डीएनए स्टोर्स ईच एंड एवरी
इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट अबाउट बॉडी, अबाउट बॉडी। समझा अच्छे से क्या बता रहा हूं? तो डीएनए सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है हमारी बॉडी में। हमारे बॉडी का कलर काला होगा, गोरा होगा, हमारा फेस कैसा होगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमारे डीएनए की इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारी हाइट कितनी होगी, हम कैसे दिखेंगे, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज जेनेटिक कैरेक्टर इज स्टोर्ड बाय द डीएनए, दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो तो ये हम जान चुके हैं कि अब आपको पता है बहुत से साइंटिस्टों ने इतनी रिसर्च करने के बाद उन्होंने कह दिया कि डीएनए जो है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इस बात को ध्यान दो। तो डीएनए को सभी लोगों ने क्या मान लिया कि इट इज एज अ जेनेटिक मटेरियल, एज अ जेनेटिक मटेरियल, क्या मान लिया इसको, एज अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब सभी साइंटिस्टों ने ये सारी रिसर्च करने के बाद कंसिडर कर लिया कि भैया जो हमारा डीएनए है वो अब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एज अ डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल माना जाएगा। एक्सेप्ट, क्वेश्चन यहां से बनता है एग्जाम में, एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट वायरस। वायरस को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में, मोस्टली सारे ऑर्गेनिजम्स में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया जाता है। Why genetic material? What is the meaning of genetic material? वो चीज genetic material होती है जो हमारे body के सारे genetic characters को store करती हो, हमारी body की सारी information को अपने पास रखती हो, यानी हम काला, गोरा, heighted कैसे रहेंगे, सारी information को जो अपने पास store करके रखता हो, तो वो चीज कोई और नहीं DNA है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम अपने chapter की तरफ end करेंगे। अब देखो, as we know that कि DNA के पास सारी information है, और जो डीएनए होता है, डीएनए के सेगमेंट को, डीएनए के छोटे से सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। तो जब डीएनए सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है तो जो डीएनए का सेगमेंट है वो भी तो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा ना। ओके फाइन, तो अब मैं यहां पे एक बात आपको बताता हूं कि समझो कि एक ये है पेरेंट्स, ठीक है, ये है राहुल एंड प्रिया, एंड ये पेरेंट्स हैं। अब इनसे एक चिल्ड्रन हुआ यहां पे, अब समझते चलो, ठीक है। तो आप ही एक बात बताओ, जो इनकी सारी इंफॉर्मेशन है, यहां पे जरा ध्यान देना अच्छे से, जो इनकी सारी इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी, इनमें ट्रांसफर हो जाएगी। क्या होगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनकी, इनकी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी, इनमें ट्रांसफर हो जाएगी। समझा अच्छे से, यानी कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स है, जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स पेरेंट्स में है, पेरेंट्स में है, वो सारे जेनेटिक कैरेक्टर्स इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं ना कि जो चिल्ड्रन है अपने मॉम एंड डैड जैसा दिखता है, तो वो एग्जैक्टली ड्यू टू दिस, क्योंकि सारे जेनेटिक कैरेक्टर्स इनमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो चलो इसको क्या कहते हैं, तो यही वो चीज है हेरिडिटी, यही हमारा वो टॉपिक है हेरिडिटी। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर्स from one generation to another generation, ठीक है, via genes। मतलब ऐसे ही थोड़ी आएंगे पेरेंट्स से, सारे के सारे जेनेटिक कैरेक्टर से हवे में उड़ के आएंगे क्या चिल्ड्रन के पास? नहीं, ऐसा नहीं होता। कैसे आएंगे, सीधे के सीधे ये लोग via genes, जो डीएनए का छोटा सा जीन होता है ना, सेगमेंट ऑफ द डीएनए, उसके थ्रू पेरेंट्स से सारे के सारे जो भी हमारे मतलब जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, या बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स कह सकते हो, या हेरिडिटरी कैरेक्टर कह सकते हो, सारे कैरेक्टर वाया जीन ट्रांसफर होते हैं टू दी ऑफस्प्रिंग और चिल्ड्रन। इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है। तो ये था हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट हेरिडिटी। नाउ लेट्स बिगिन टुवर्ड्स द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, जो कि सबसे हार्डेस्ट प्रोसेस तुम लोग अब तक इसे मानते हो, और प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस प्रोसेस को मैं क्या करूंगा, इसको अच्छे से तुमको समझाता हूं, यहां पे जरा ध्यान दो। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना, इसको थोड़ा समझते हैं एग्जैक्टली इसकी जो मीनिंग है ना, अभी हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, अभी इसकी एग्जैक्टली मीनिंग को समझते हैं। एग्जैक्टली पहले जानते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन भैया, इट इज द चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। इस बात को एकदम अच्छे से आप लोग को ध्यान देना है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है।
ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक छोटा सा अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड, पांचवा अमाइनो एसिड, तो इस तरीके से चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है। अब ऐसे बहुत से अमाइनो एसिड एक साथ ऐसे बॉन्डेड होते हैं थ्रू दी बॉन्ड, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो जो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, और ये छोटे छोटे जो है ना, ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अमाइनो एसिड सारे सारे कंबाइन होते हैं, और जो ये पूरा कंप्लीट कंपाउंड हमारा बन गया ना, ये है हमारा प्रोटीन, प्रोटीन। और ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है ना, इसके लिए इस मॉलिक्यूल को हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तुमने सुना होगा प्रोटीन को मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। मैंने जब वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था तो मैंने तुमको बताया था कि प्रोटीन को हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। नाउ लेट्स बिगिन टुवर्ड्स द सिंथेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस? सिंथेसिस मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग, टू क्रिएट और टू जनरेट और टू मेक, समझा अच्छे से मैं क्या बता रहा हूँ? इन चीजों को एकदम समझ के रखना, यानी कि एग्जैक्टली प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है कि क्रिएशन और फॉर्मेशन ऑफ, क्रिएशन ऑफ प्रोटीन, समझा अच्छे से, या फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये हमारा होता है प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, कैसे कैसे कौन से स्टेप्स में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस है, जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस है, वो भैया तीन स्टेप्स में होता है। पहला है ट्रांसक्रिप्शन, पहला है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन, तीसरा है ट्रांसलोकेशन। इन बातों को एकदम अच्छे से आपको समझ के रखना है। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये तीनों स्टेप्स हैं। चलिए इन तीनों स्टेप्स को शॉर्ट में समझते हैं। देखो यहाँ पे सभी लोग फटाफट, सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ, जल्दी जल्दी समझते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। हमें क्या बनाना है? हमें प्रोटीन बनाना है। हमें क्या बनाना है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। प्रोटीन सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रोटीन हमें क्रिएट करना है। प्रोटीन सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रोटीन हमें क्रिएट करना है। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? चलो अब प्रोटीन बनाना है, बट कौन जानता है कि प्रोटीन कैसे बनाना है? सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी का डीएनए जानता है कि प्रोटीन कैसे बनाना है, ठीक है। यानी कि डीएनए के पास वो इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन एग्जैक्टली कैसे बनाना है। तो क्या होता है ना कि डीएनए कभी खुद से कुछ काम नहीं करेगा। डीएनए क्या करता है? किसी और चीज का इस्तेमाल करता है और उसके थ्रू प्रोटीन को बनवाता है। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए फॉर्म करता है आरएनए को। किसको फॉर्म करता है? आरएनए को। और जो डीएनए है ना, ये आरएनए को फॉर्म करके आरएनए के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि आरएनए के क्या बनाएंगे? आरएनए के थ्रू एंड फ्रॉम द डीएनए, ठीक है। तो इस चीज को जरा थोड़ा डिफाइन करते हैं, जरा एग्जैक्टली क्या है कि ध्यान से सुनना, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए थ्रू आरएनए इज नथिंग बट ये कंप्लीट प्रोसेस हमारा कहलाता है सेंट्रल डॉग्मा। क्या कहलाता है हमारा? सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है। इस बात को एकदम ध्यान देना। व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा? प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए थ्रू आरएनए इज नथिंग बट सेंट्रल डॉग्मा। चलो अब यानी कि डीएनए से आरएनए के थ्रू, मतलब डीएनए इंफॉर्मेशन देगा और आरएनए वो काम करेगा। डीएनए के पास सिर्फ जानकारी है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है तो मैं किसी दूसरे बंदे को कह दूंगा मेरे पास बहुत सारा काम है, पूरी बॉडी को डीएनए संभाल रहा है, तो क्या सिर्फ प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए आ जाएगा क्या? नहीं। तो डीएनए क्या करेगा? दूसरे बंदे को रख लेगा और अपनी इंफॉर्मेशन उसको दे देगा, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को सामने वाले को ट्रांसफर कर देगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अपनी सारी इंफॉर्मेशन को सामने वाले को ट्रांसफर कर देगा और वो सारा काम कर देगा। तो डीएनए ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन आरएनए के पास ट्रांसफर करेगा एंड आरएनए सारा काम करेगा प्रोटीन बनाने वाला। तो डीएनए कभी प्रोटीन नहीं बनाता, आरएनए प्रोटीन बनाता है, बट डीएनए से सारी इंफॉर्मेशन आरएनए में आती है। तो जब डीएनए से सारी इंफॉर्मेशन आरएनए में आती है, यानी कि आरएनए पहले बनाना होता होगा, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली? फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए। क्या लिखोगे? फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। फॉर व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आगे लिख देना, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? फॉर फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज नथिंग बट
ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द डीएनए थ्रू द आरएनए इज नथिंग बट सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है। दोनों डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होने का भाई, तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एग्जैक्टली थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, एग्जैक्टली क्या है। तो ये सिंपल सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, यानी कि सिंपल भाषा में लिखूं तो डीएनए से क्या बनाते हैं हम लोग, एमआरएनए, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। चलो शॉर्ट में अगर मैं यहां पे समझाऊं तुम लोग को, तो शॉर्ट में समझाऊं तो जो आरएनए होता है ना, आरएनए जो होता है ना, ये तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं आरएनए? तीन टाइप के, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। इस बात को एकदम समझ के रखना अच्छे से। तो ये तीनों चीजों को एकदम अपने दिमाग में बिठा लो, जिसमें से हम लोग बात करने वाले हैं एमआरएनए के। तो डीएनए से एमआरएनए यहां पे फॉर्मेशन होता है, इस बात को समझना, ये ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। चलो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं क्या, देखो यहां पे क्या होता है ना कि न्यूक्लियोटाइड हुआ करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हुआ करते हैं हमारे डीएनए के अंदर। करीबन ना 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन। गाइस सिर्फ यही टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसके बाद का सारा टॉपिक बहुत आसान है। थायमिन और यूरासिल। जो यूरासिल और थायमिन है इनमें बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। थायमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है और जो यूरासिल है, यूरासिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। इस बात को एकदम ध्यान देना अच्छे से, बाकी एक दूसरे में सब एब्सेंट रहते हैं। तो यहां पे जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें यूरासिल प्रेजेंट रहेगा और इसमें थायमिन एब्सेंट रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, इसमें थायमिन प्रेजेंट रहेगा, इसमें थायमिन प्रेजेंट रहेगा और इसमें यूरासिल क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, इस चीज को एकदम समझ के रखना अच्छे से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि कैसे फॉर्म करता है, उसका बहुत बड़ा टाइम ले लेगा, ठीक है। ऐसे ही फिर हमारा ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन एक साथ समझा देता हूँ, छोटे टॉपिक है, 10th के लेवल में इतने बड़े नहीं है, जब तुम 12th में जाओगे तो तुमको प्रॉपर समझेगा। तो ये है हमारा एमआरएनए, ये है हमारा एमआरएनए, ये एमआरएनए के ऊपर क्या होते हैं, तीन तीन, मतलब ऐसे इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं इसके ऊपर? ऐसे इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। आपको पता है ये सिंगल एक चीज क्या है, ये है न्यूक्लियोटाइड। आप ना इसे अमाइनो एसिड भी कह सकते हो, आप इसे अमाइनो एसिड भी कह सकते हो। तीन तीन सेट का अगर अमाइनो एसिड, तो हम इसे कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन, इस बात को ध्यान देना, मतलब नाम है ये, अगर तीन तीन न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिलकर सेट में आएंगे तो वो ट्रिपलेट कोडॉन कहलाएगा। एक सिंगल कोड है, तीन मिलाएंगे तो कोडॉन बन जाएगा। क्या होता है कि इसके यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए हमारा कुछ इस तरीके से आता है, ये है हमारा कंप्लीट आरआरएनए, हम इसे राइबोसोम भी कहते हैं। अब इसके ऊपर क्या होता है ना, यहां समझना, कुछ इस तरीके से हमारा टीआरएनए होता है और यहां पे इस तरीके से एंटीकोडॉन वगैरह बनाता है। ये तुमको अभी नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा, ठीक है। यहां पे ना क्या होता है, ये इससे क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ये इसके पास यहाँ पे एंटीकोडॉन है, जिस बच्चे ने मेरी वीडियोस देखी उसको सब समझेगा प्रीवियस वाली। तो ये एंटीकोडॉन्स होते हैं, ये यहाँ पे नीचे कोडॉन के ऊपर, ट्रिपलेट कोडॉन के ऊपर एंटीकोडॉन सेट होता है, एंड देन उसे सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है और यहाँ पे एक सिंगल अमाइनो एसिड आता है। देन आफ्टर दैट क्या होता है, ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ये आगे ट्रांसफर होगा। एक अमाइनो एसिड तीन से बन गया, अब अगले तीन में क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा। तो अब ये एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, बट अपने पास जगह नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे सारा सिस्टम आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सारा सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे बनाएगा। फिर यहाँ वाला अमाइनो एसिड तो एक बार था ही, अब इधर से भी एक और अमाइनो एसिड मिलेगा, ऐसे आगे जाएगा तो यहाँ पे तीन अमाइनो एसिड मिलेंगे, ऐसे और आगे जाएगा तो इसे चार अमाइनो एसिड मिलेंगे, ऐसे और आगे जाएगा तो इसे पांच अमाइनो एसिड मिलेंगे। इस तरीके से हमको अमाइनो एसिड मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, समझ रहा है। ये कंप्लीट हमको ये सारा का सारा क्या, ये अमाइनो एसिड्स है। शुरुआत में मैंने बताया था कि चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज नथिंग बट प्रोटीन, तो ये कंप्लीट क्या है हमारा, प्रोटीन है, एंड प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, प्रोटीन है। इस बात को एकदम आपको समझ लेना, इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। जिसने मेरी वीडियो देखी होगी उसको सब समझेगा, इसको समझाने के लिए पूरा 2 घंटे का प्रोसेस चाहिए होता है, तो इस बात को एकदम अच्छे से समझ के रखना है।
ठीक है, क्लियर? चलो तो यस, सारे बच्चों क्लियर है? फाइन, बहुत बढ़िया। कोई किसी को डाउट बोलो मुझे, आप इंस्टा पर तो नंबर दो ना, इंस्टा पे नंबर डाल रखा है रे बाबा, जाओ ले लो। ठीक है, चलो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं अभी, लेट्स बिगिन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है चलो अब आगे निकलते हैं। तो ये सब हो गया, अब बहुत छोटा आसान आसान टॉपिक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? एग्जाम में छोटे छोटे टॉपिक इनसे आते हैं। सडन चेंजेस ऑकरिंग इन जीन्स, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। सपोज दैट यहां पे हमारा सीक्वेंस है, ऐसे ऐसे बहुत सारा सीक्वेंस है डीएनए के अंदर या जीन्स के अंदर, इन तीनों को हमने क्या किया, चेंज कर दिया, इन तीनों को हमने इसके बदले बदल दिया, तो पूरी बॉडी में ही हमारे चेंजेस आ जाएगा। इससे बहुत सी डिसीजेस भी होती हैं, इससे बहुत सी डिसीजेस भी होती हैं, लाइक सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, फिर उसके साथ साथ डाउन सिंड्रोम, ये सारी बीमारियां होती है। क्लास नाइन्थ में तुमने इसके बारे में सबने पढ़ा है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो ये भाई छोटा सा टॉपिक म्यूटेशन था। अब आगे बढ़ते हैं, इवोल्यूशन हमारा क्या है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है? तो इवोल्यूशन हमारा क्या होता है, ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारा इवोल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं, इवोल्यूशन के फिर हमने एविडेंसेस देखे थे, क्या देखे थे, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, सेकेंड नंबर पे है एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, फिर है वेस्टिजियल ऑर्गन, फिर है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर है कनेक्टिंग लिंक, फिर है एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस। ये सब याद कर लो नाम तुम लोग भी। चलो तो ये सारे के सारे छह से सात टाइप जो भी हमारे एविडेंसेस के हैं, तो इन सारे के सारे एविडेंसेस को एकदम अच्छे से तुम लोग सारे के सारे बच्चे याद कर लो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे के सारे फटाफट सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी याद कर लो। क्या बात है, सभी कमेंट कैसे आ रहा है जरा देखो तो एक बार। यस, बहुत बढ़िया, क्या चल रहा है भाई यहाँ पे। ओके फाइन, चलो चलो चलो, क्या हुआ मुग्धा, व्हाट हैपेंड, मेरा नाम लो, हाँ हाँ क्या लिखा है, ये एस बी, ये पता नहीं, ठीक है चलो यहाँ देखो अभी। सो ये एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब चलो फर्स्ट एविडेंसेस क्या है, फर्स्ट एविडेंसेस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, अब हम इसके बारे में देखेंगे। मॉर्फो का मतलब होता है फिजिकल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, लॉजिकल मतलब स्टडी करना, ऐसे ओरली बताते जाऊंगा, सब सुनते जाओ, सब तुमने पढ़ रखा ऑलरेडी। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, मॉर्फो मतलब क्या होता है, फिजिकल बाहर से, लॉजिकल मींस होता है स्टडी करना, यानी कि बाहर की स्ट्रक्चर को देख के स्टडी करना, जैसे कि पत्ते हो गए, कोई भी मतलब सम्पोज फॉक्स हो गया या गोट हो गई, बकरी वगैरह हो गई, तो इन सबके बाहर के स्ट्रक्चर को देख के तुम पता लगा सकते हो कि भाई ये पुराने जमाने में कैफे दिखते थे और आज ये कैफे दिखते हैं। एनाटॉमिकल एविडेंसेस मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, इंटरनल स्ट्रक्चर, इससे हमें यह पता चलता है कि देखो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स हैं, सारे बोन्स में जॉइंट्स हैं, इन इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के बाद हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर के सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, चाहे बैट हो, रैट हो, चाहे काऊ हो, इंसान हो, कोई भी हो, वेल हो, कोई भी हो, हम सभी इंसानों के अंदर का जो बॉडी है सभी में जॉइंट्स हैं, और ये जॉइंट्स दिखाते हैं कि हम सभी के सभी जितने भी लोग हैं हम सभी की कॉमन एंसेस्ट्री है। वेस्टिजियल ऑर्गन,
वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है कि एक डीजेनरेटेड अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑर्गन्स। तो इस बात को ध्यान देना अच्छे से, लाइक कॉकिक्स हो गया, कॉकिक्स, फिर विजडम टीथ हो गया जिसका कोई यूज नहीं, मतलब है तो ठीक है और नहीं है तो भी चलेगा, समझा अच्छे से, ऐसा होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। फिर बात करते हैं पैलियंटोलॉजिकल की। पैलियंटो मतलब होता है एंशियंट, पैलियंटो मतलब होता है एंशियंट मींस पुराना, पैलियंटो मतलब पुराना, यानी कि फॉसिल्स के थ्रू हम पता करते हैं कि आखिर क्या क्या एविडेंसेस हुआ है। फॉसिल्स के थ्रू हम ये पता करते हैं कि आखिर क्या क्या एविडेंसेस हुए हैं दुनिया में, क्या क्या चेंजेस चल रहे हैं इस टाइम पे। तो ये हमारा पैलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस है। पैलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस में कार्बन डेटिंग करके भी एक टॉपिक है, इसको भी थोड़ा सुनते जाओ। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन C12 एंड कार्बन 14। कार्बन जो C12 है ये है नॉन रेडियो एक्टिव, ये है नॉन रेडियो एक्टिव, और जो कार्बन C14 है ये है हमारा रेडियो एक्टिव। इस बात को एकदम ध्यान देना, जो रेडियो एक्टिव होते हैं इनमें से हमेशा रेडिएशन एमिट होता है, इनमें से हमेशा रेडिएशन बाहर निकलते रहता है, और C12 नॉन रेडियो एक्टिव है। इन्हीं दोनों के रेशियोज के थ्रू हम एक परफेक्ट डेट पता कर पाते हैं, और ये सब कार्बन की वजह से पॉसिबल है, इसलिए हम इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग। चलो शॉर्ट में यही है इसका मीनिंग। अब आगे निकलते हैं कनेक्टिंग लिंक की बात करते हैं। कनेक्टिंग लिंक क्या है एग्जैक्टली समझते हैं। मान लो ये कोई एक ग्रुप है, इस ग्रुप के बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये कोई हमारा ग्रुप है और इसके भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं। ध्यान समझना, कल को कोई एक नया ऑर्गेनिज्म आया और ये ऑर्गेनिजम्स इसके जैसा भी और इसके जैसा भी दोनों के जैसा इंफॉर्मेशन दिखाता हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एनिमल है ये इन दोनों ग्रुप वाले ऑर्गेनिजम्स का कनेक्टिंग लिंक है। जैसे डकबिल, प्लेटिपस एंड पेरिपेटस, ये सारे कनेक्टिंग लिंक्स हैं। तो इन बातों को आपको समझ के रखना है। एंड लास्ट टॉपिक है एविडेंसेस में, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रायो? तो सबसे पहले क्या होता है कि मेल एंड फीमेल, मेल के पास जो गैमेट्स है वो है स्पर्म, और फीमेल के पास है वो है हमारा ओवम। अब स्पर्म एंड ओवम मिल करके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, और जो जाइगोट है ये थोड़े दिन डेवलप होके बनता है एम्ब्रायो। व्हाट इज एम्ब्रायो? एम्ब्रायो इज द मास ऑफ सेल जो करीबन 220 टाइप ऑफ बॉडी के सेल्स में डिवाइड हो सकता है, और जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो से ही हमारी क्या बनती है? बॉडी बनती है। इस बात को एकदम ध्यान देना। तो एम्ब्रायो जो होता है ना स्टार्टिंग फेज में, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो रैट का हो, चाहे वो कैट का हो, चाहे वो ह्यूमन बींग का हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, सभी का जो एम्ब्रायो होता है स्टार्टिंग में ना सेम रहता है। फिर धीरे 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 9 मंथ होते हैं मदर के वॉम्ब के अंदर, और डेवलप होने के बाद ये सारे अलग अलग स्पेसीज बन जाते हैं। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? ये सब अलग अलग स्पेसीज क्रिएट हो जाते हैं, इन बातों को एकदम ध्यान रखो। तो शुरुआती तौर पे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का जो एम्ब्रायो होता है सबका सेम दिखता है, एंड वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस कि हम सभी की एंसेस्ट्री कॉमन है, हमारे सारे पूर्वज एक ही थे। इस बात को एकदम ध्यान देना। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डार्विन्स थियरी। डार्विन्स थियरी, डार्विन्स थियरी, अब देखो डार्विन्स थियरी में क्या है। डार्विन बहुत ही अच्छे बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इस बुक के अंदर इन्होंने एक थियरी दी थी, थियरी का नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसका मीनिंग होता है कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा इस दुनिया में, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा। फॉर एग्जाम्पल आज के दौर पे भी लगा लो तुम लोग कि अगर मान लो 5 लोग हैं और एक किसी जॉब निकली है उसमें एक सीट है, तो ये 5 लोगों में से सिर्फ वही सिलेक्ट होगा जो उसके लिए प्रॉपर फिट होगा, और वो बाकी का पेरिश हो जाएंगे जो फिट नहीं है। तो नेचर भी उसी को सिलेक्ट करता है जो सर्वाइवल यहाँ पे कर सकता है, फिट है। यानी कि जो एक अगर इंसानों की बात की जाए तो जो फाइनेंशियली फिट हो और फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, वो बंदा दुनिया में सर्वाइव करता है, उसकी जनरेशन सर्वाइव करती है। तो ये हमारे डार्विन भाई साहब ने बताया था। इसके बाद हम चलते हैं स्पेसिएशन की तरफ, स्पेसिएशन की तरफ, फिर ह्यूमन इवोल्यूशन।
स्पेसिस से मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस, फूड, शेल्टर और एनवायरमेंटल कंडीशन, और भी बहुत सारी है लाइक जनरल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड मेनी थिंग्स, उन सबको छोड़ो, वेरिएशन की वजह से भी। तो नई नई स्पेसीज का फॉर्मेशन करना, यही है हमारा स्पेसिएशन। एंड सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, मैंने बोला था ना शुरुआत का टॉपिक ही थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सारे के सारे टॉपिक बहुत ही आसान है। तो अब सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, ह्यूमन इवोल्यूशन। अब हम देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन एग्जैक्टली क्या है, कैसे हुआ। बहुत ही आसान है। सबसे पहले 4.5 बिलियन ईयर्स बैक जाते हैं, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। कौन जानता था कि एक बंदर जैसा, नॉट बंदर, बंदर जैसा दिखने वाला एक ऑर्गेनिज्म जो लैमूर है, इसका नाम सुन के बहुत अजीब से एक छोटे से चंचुंदर का नाम आ जाता है, लैमूर का भाई तैमूर। ठीक है चलो, यहां देखो अभी। तब एक कमेंट देख लूं यार, लामार्किज्म बताता हूँ, रुक जाओ, बता दूंगा। लंगूर नहीं रे बाबा। लैमूर की बात चालू है। वेलकम कंक एंड रॉय, हाउ आर यू, इंग्लिश की मिंटी भी होगी साहिल। चलो फटाफट चलते हैं अभी आगे। बहुत मस्ती खोर हो तुम लोग। तो सबसे पहले बहुत साल पहले लैमूर आया, एंड लैमूर के बाद ये लैमूर अपने आप को डेवलप करता गया, फिर ऐसे ही बहुत सारे नाम आ गए लाइक ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, पिथिकस का मतलब होता है एप्स, फिर उसके बाद रामापिथिकस, फिर उसके बाद बहुत सारे आए बीच बीच में, मेरे को इतना याद नहीं करना, क्रो मैग्नन मैन, फिर आता है हमारा नियंदरथल मैन। आपको पता है नियंदरथल मैन आज से जस्ट 1,50,000 साल पहले था, और ये करीबन 7,000 लगाते जाओ यार, पता नहीं कितना जीरो लगा लो, इतने एक साल पहले हमारा लेमूर था, 7 करोड़ ईयर्स बैक। नियंदरथल मैन जो है ये बहुत ही माइंडेड, इसके दिमाग का जो सीसी था 1400 सीसी था, सीसी का मतलब होता है क्रैनियल कैपेसिटी। तो सीसी का मतलब होता है क्रैनियल कैपेसिटी, और करीबन 1400 क्रैनियल कैपेसिटी इसकी थी। आजकल हम इंसानों की क्रैनियल कैपेसिटी 1300 होती है, ठीक है। ये नियंदरथल मैन बहुत ही वाइस पर्सन था, ये गुफाओं में रहना जानता था, फैमिली पहचानता था, आदिवासी जैसा दिखता था, जंगली जानवर था शुद्ध, ठीक है। लेकिन आज वही जंगली जानवर हम हैं। हम जंगली जानवर नहीं है, हम इवॉल्वड जंगली जानवर हैं। वी आर होमो सेपियंस, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। हम बहुत ही पावरफुल बंदे हैं दिमाग से, नॉट फिजिकली एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। ये जो जितने भी क्रोमैग्नन मैन, नियंदरथल मैन, ये हमसे बहुत ताकतवर थे, हमको एक झपड़ मारेंगे पार्ट से हम लोग गिर जाएंगे साइड में, ठीक है। लेकिन हम इनसे मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, हम इनको मेंटली दिमाग से मारेंगे इन लोग को, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये बातें आपको एकदम समझ के रखनी है। तो ये कंप्लीट हमारा टॉपिक था, लामार्किज्म रह गया, कोई बच्चे कह रहे हैं तो लामार्किज्म क्या है भाई, देख लेते हैं। एक फील्ड थियरी है। लामार्क जीन बॉप्टिस्ट लामार्क ने कहा था, एक थियरी दी थी डिस यूज ऑफ ऑर्गन की। इन्होंने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने बॉडी का कोई भी ऑर्गन का इस्तेमाल ज्यादा करता है तो वो कैरेक्टर्स एक्वायर होते हैं और वो आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। बट ये बिल्कुल भी गलत था, रियलिटी तो सिर्फ यही थी कि जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वही कैरेक्टर्स सिर्फ सामने वाले जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, इस बात को ध्यान देना। तो ये था लामार्किज्म। चलो तो गाइज
टॉपिक कि हमने बैंड बजा डाली, ठीक है? टॉपिक्स कि हमने बैंड बजा डाली, ठीक है? चलो तो और कुछ लाल 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 पूछो पूछो, कुछ और पूछना है रे बाबा, पूछना है तो पूछ लो, ये मौका दोबारा मिले ना मिले पूछना है तो पूछ लो, ये मौका दोबारा मिले ना मिले और आगे की सारी नहीं आती और चलते रहेंगे ऐसे ही सिलसिले, ठीक है? चलो ठीक है, चलो पूछो, कुछ भी पूछना है तो। यस, नंबर नहीं है यार, नंबर हिंट दे दिया, इंस्टाग्राम में है मेरे, इंस्टाग्राम आईडी जानने का है, प्रमोशन ओपी तो प्रशांत नहीं, अच्छे से लिखता हूं यार, नहीं तो गलत आईडी हो जाएगा तो प्रमोशन गड़बड़ हो जाएगा। प्रशांत T9, ए ये डैश नहीं है, नीचे वाला सिंबल है T9, ऐसा ये डालोगे ना तो तुमको आईडी मिल जाएगी, ठीक है? तो जाओ फटाफट और फॉलो मारो तो गाइज लाइक करो फॉलो करो वो रील आती ना, तो गाइज लाइक करो फॉलो करो सब्सक्राइब मारो, ठीक है? चलो ठीक है। यस यश कैसे हो, एमसीक्यूज तो करवा रहे हो ना सारे यार, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन सब समझा दिया, सारे टॉपिक समझा दिए, तुम लोग के सारे चैट्स देख रहा हूँ बट बहुत फास्ट है तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ यार, इतने फास्ट चैट्स तो मतलब गजब है, थैंक यू। यस वेलकम, यस 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 ओम प्रकाश, थैंक यू सो मच पार्वती, थैंक यू यार अविनाश, बहुत बढ़िया। मेरा बर्थडे 5 सितंबर को आएगा, 5 सितंबर, 5 सितंबर, 5th of September इज माई बर्थडे डेट, ठीक है? चलो तो गाइज सभी लोगों को शेयर कर दो चैनल वगैरह, सब्सक्राइब मार दो, फॉलो मार दो सब्सक्राइब करो फॉलो करो, ठीक है? चलो और क्या कहने का है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ट्रांसलोकेशन भी तो बता दिया, शिफ्टिंग ऑफ RR ने बाय 1-1 ट्रिपलेट कोडॉन एंड प्रोड्यूसिंग द अमाइनो एसिड्स इज नथिंग बट ट्रांसलोकेशन, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ RRNA फ्रॉम वन एंड ऑफ द mRNA टू द अदर एंड ऑफ द mRNA थ्रू 1-1 ट्रिपलेट कोडॉन टू प्रोड्यूस द अमाइनो एसिड्स इज नथिंग बट ट्रांसलोकेशन। अब इस चीज को बार बार सुन लो और लिख लो, समझ जाएगा, ठीक है? चलो यस थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, 400K सून या तुम लोग सब्सक्राइब मारोगे तभी ना 4 लाख होंगे सब्सक्राइबर, अभी हमारी फैमिली 3,90,000 लोगों की है, 3,90,000 फॉलोवर्स अभी आपने ऑलरेडी डन हो चुके हैं, अभी 4 लाख होना बाकी है, ठीक है? तो यस गाइज थैंक्स अ लॉट, अब चलते हैं, मिलेंगे कल के प्यारे से सेशन में, कल का हमारा जो सेशन होगा 2nd chapter लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म Part 1, सारा शेड्यूल ऑलरेडी डाल दिया है, चैनल के अंदर जाके एक बार देखना, जहां न्यू इंडियन एरा लिखा है वहां क्लिक करके जाके देखोगे ना तो मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करना, नून अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और कल 3 बजे नून अकेडमी के ऐप में हम लोग मिलेंगे, जहां पे हम बहुत अच्छे से सारा सेशन को स्टार्ट करके पढ़ाई करते हैं, सारे बच्चे कल फटाफट मिलेंगे, ठीक है? तो चलते हैं गाइज, और बाय टू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड सपोर्ट, ऐसे करते रहो, बाय बाय, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।